नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। इंजन को स्टार्ट करना स्टार्टिंग ऑफ इंजन या क्रैंकिंग ऑफ इंजन कहलाता है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन की क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाता है। इंजन की क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए कई विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि किक द्वारा स्टार्टिंग, हैंडल द्वारा स्टार्टिंग, रस्सी द्वारा स्टार्टिंग, स्टार्टर मोटर द्वारा स्टार्टिंग इत्यादि। सामान्यतः इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कम से कम 100 आरपीएम पर घुमाना आवश्यक होता है। इसलिए छोटे इंजनों को तो हैंडल या रस्सी द्वारा घुमाकर स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े इंजनों को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही जब इंजन को बार बार स्टार्ट करना हो तब स्टार्टर मोटर का प्रयोग करना ही अधिक सुविधाजनक भी होता है। इसलिए वाहनों में इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर मोटर वह मोटर है जिसका प्रयोग इंजन को स्टार्ट करने या इंजन को क्रैंक करने में किया जाता है। स्टार्टर मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। स्टार्टर मोटर में एक पिनियन गियर होता है। इस गियर का संबंध फ्लाई व्हील पर लगे हुए रिंग गियर से होता है। जब वाहन के स्टार्टिंग स्विच को ऑन किया जाता है तब बैटरी से स्टार्टर मोटर को करंट प्रवाहित की जाती है। इस करंट के द्वारा स्टार्टर मोटर का पिनियन घूमता है एवं फ्लाई व्हील पर लगे हुए रिंग गियर से जुड़ जाता है। स्टार्टर मोटर का पिनियन अपने साथ फ्लाई व्हील को भी घुमाता है एवं फ्लाई व्हील के साथ इंजन की क्रैंक शाफ्ट भी घूमती है। इंजन के स्टार्ट होने पर स्टार्टर मोटर का पिनियन फ्लाई व्हील के रिंग गियर से अलग हो जाता है। स्टार्टर मोटर की कार्य प्रणाली फ्लेमिंग के नियम पर कार्य करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।